आज़ाद भारत में मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर कई कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिन योजनाओं पर सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद देश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के बजाय लगातार बढ़ रही है। वजह कई हैं, जिनमें मुख्य वजह है गाँव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र का संचालन नहीं होना, दूसरा गाँवों तक एम्बुलेंस या यातायात लायक सड़क नहीं होना, एम्बुलेंस की कमी और रेफर अस्पताल में उचित व्यवस्था नहीं होना। अच्छी बताइए, ग्राम डोमाट की जितने भी मरीज होती है या महिला गर्भवती हो या प्रसव के समय हो, तो उस समय आप जब प्रसव होता है तो कहाँ ले जाती है? रेफर अस्पताल कहाँ है? गौना है। कितना दूर पर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर जाने में आपको दिक्कत होती है? जी दिक्कत होती है, जो रास्ता खराब है, यहाँ कभी एम्बुलेंस आती है कभी एम्बुलेंस नहीं आती है। क्या इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी है, लेकिन दूरी है, यहाँ से दूसरे गांव में है। ग्राम डोमाट प्रखंड गौनाहा का एक नजदीकी गांव है, जिन गांव में 2 बरस पहले उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ लेकिन आज तक नहीं खुला। और वह गाँव से रेफर अस्पताल जाने वाली सड़क हर बरसात में इस प्रकार टूट जाता है कि गांव में एम्बुलेंस नहीं जा पाता, जिससे डोमाठ, जमुनिया, धनौजी और धमौरा पंचायत के मरीजों को निजी अस्पताल या टायर भाड़ा करके अस्पताल जाना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्र बनल बा, लेकिन अभी तक उसमें न डॉक्टर बा, नर्स बा, कोनो चीज के व्यवस्था नहीं थे, उद्घाटन तक नहीं थे। कितना साल पहले बन चुका? करीब 2 साल ये पार कर रहा था, 2 साल से ज्यादा ही हो रहा था। जरा खुलवा खतरा कर वो गांव के लोग कोनो प्रयास कर ले बने ना? गांव के लोग सभी चाहता कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र खुलो, काहे से कि गांव के हर महिला के सबसे ज्यादा तकलीफ का और बीमारी का सामना ज्यादा औरतें लोग महिला लोग की होता है। आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस अभियान में सहयोगी बने, जिसके लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 9472053621। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।